संजीव शर्मा। और जो आज अपनी मैथ्स की जो क्लास है उस क्लास में हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जी हाँ रैशनल नंबर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर है उसकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन स्टडीज करेंगे और वो जो है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अभी जो लास्ट क्लास थी हमारी वहाँ पर हमने एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन बेस्ड प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज का टॉपिक हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर रहेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। जी हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट आता है दो नंबर का, वो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। एग्जांपल अगर हम यहाँ लेते हैं, देखें 1/3 × 5/9 मल्टीप्लाई करते हैं इसको। देखो 1 × 5 और ये हो जाएगा 3 × 9, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ऊपर वाले हैं जो डिजिट से हमको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपना आ जाता है 5/27। तो देखें 5/27 हमारा आंसर है ना, ये आंसर है। और ये भी क्या है, एक ऑलवेज एक रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल। 5/27 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो इस तरह से हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी दो रैशनल नंबर को क्या करना है हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखेंगे जो प्रोडक्ट आता है वो भी क्या होता है, आपका रैशनल नंबर ही होता है। एक एग्जांपल यहाँ पर और ले लेते हैं, -11/9, ये सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं हम, -11/9 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर -4/7। तो न्यूमरेटर को ऊपर अलग मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो -11 × -4, ये ऊपर के डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, -11 × -4 ऊपर वाले डिजिट को कर दिया, नीचे 9 × 7, ये 9 और ये 7 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 × 4 = 44 और माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। प्लस का ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस और माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो इसमें चेंज हो जाता है सिंपल, प्लस में अपॉन 9 × 7 = 63। ये जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 44, क्योंकि प्लस को हमें डिनोट करने की दिखाने की जरूरत नहीं होती, 44/63। तो ये जो हमारा आंसर है ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। मींस अगर दो रैशनल नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो जो प्रोडक्ट आता है वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखें हम यहाँ पर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी एग्जाम्पल यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है, ये इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टी जो है
किसी भी ऑर्डर में दो ये ऑर्डर के चेंज होने के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। जैसे दो रैशनल नंबर है यहाँ पर, कोई भी दो रैशनल नंबर अगर हम ले लेते हैं, जैसे a अपॉन b मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, ठीक है, इक्वल्स टू, इनका जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो इक्वल होगा किसके, सी अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी। देखो ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पर क्या है ए अपॉन बी पहले है और सी अपॉन डी बाद में, ठीक है, और यहाँ पर सी अपॉन डी पहले आ गया और ए अपॉन बी, यानी ऑर्डर अगर चेंज हो जाए तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आता है, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको हम कुछ इस तरह से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर, मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट इस सेम आता है। अगर यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, मैं सिंपल एक इंटीजर का एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए, रैशनल नंबर का हम जो है अभी एक और एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 5 × 3, ठीक है, कितना आएगा 50, और अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो, 3 × 5 = 50, देखो सेम। तो ये केवल आपको समझाने के लिए है, एक एग्जांपल रैशनल नंबर का अभी हम ये सिंपल सा एग्जांपल लिया, मतलब ऑर्डर अगर चाहे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 5 से, हमारा जो आंसर आता है दोनों कंडीशन में क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो एक एग्जांपल लें सेकंड प्रॉपर्टी का अपने, तो 2/3 × 4/5, तो देखें अब ये एग्जांपल 2/3, यानी ए बाई बी, ए अपॉन बी की जगह 2/3 × 1 एक हमने यहाँ पर ले लिया आपका 4/5, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4/3 × 5 लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर की जो डिजिट है, यहाँ पर एलसीएम की जरूरत नहीं होती, मल्टीप्लाई डिवीजन में हम एलसीएम मेथड यूज नहीं करते हैं, वो केवल किसमें किया है हमने, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। आंसर क्या आ गया आपका 8/50, ठीक है। अब डिजिट रिवर्स कर दें, डिजिट क्या कर दें हम यहाँ पर जो है अगर रिवर्स कर देते हैं, पहले हमने क्या रख दिया ये, तो यहाँ ले आओ 4/5 × 2/3, इसको यहाँ ले, चेंज होगी ना डिजिट्स, तो भी आंसर देखो क्या हो जाएगा 4 × 2/5 × 3 8/50, दोनों क्या है सेम है। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमें क्या बताती है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें रैशनल नंबर का तो हमारे आंसर पर कोई, या जो मैं आंसर चेंज नहीं होता, आंसर वही या सेम रहता है। इस तरह से ये हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी जो है इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद वो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर थर्ड नंबर को हम डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव में जो 3 रैशनल नंबर हम यहाँ पर ले रहे हैं उसमें क्या ले रहे हैं हम 3 रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी, ठीक है, इसके बाद दूसरा रैशनल नंबर हम ले लेते हैं सी अपॉन डी और एक ले लेते हैं ई अपॉन एफ, ये यहाँ पर हमने 3 रैशनल नंबर के हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, 3 रैशनल नंबर है हमारे पास। अब यहाँ पर जो है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले किन्हीं भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फॉर
फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, पहले इन दोनों को कर लिया, यानी के अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी ये, और फिर मल्टीप्लाई कर लिया ई अपॉन एफ से, फर्स्ट केस। ठीक है, सेकेंड केस जो है, सेकेंड केस में हमने क्या किया, जो पहले मल्टीप्लाई किया है जो बाद वाले जो दो नंबर थे, यानी हमने इसको इस तरह से कर दिया सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ ये, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया ए अपॉन बी से। पहले फर्स्ट केस में ए अपॉन बी और सी अपॉन डी को मल्टीप्लाई किया, फिर जो प्रोडक्ट आया इन दोनों के प्रोडक्ट से, इन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किसको कर दिया, इसको प्रोडक्ट से ई अपॉन एफ को मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर पहले जो बाद वाले जो रैशनल नंबर थे उन दोनों को ये प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट से जो बची हुई डिजिट है यानी ए अपॉन बी को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आता है, सेम। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आंसर सेम होगा। ठीक है ना, तो ये जो है हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका एक एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं। एग्जांपल अगर हम सॉल्व करें तो आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से थोड़ा सा समझना इजी हो जाता है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। इसमें माइनस फोर अपॉन फाइव, माइनस फोर अपॉन फाइव, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड है हमारे पास थ्री अपॉन सेवन, थ्री अपॉन सेवन, और जो थर्ड डिजिट या थर्ड नंबर है हमारे पास रैशनल नंबर है वो एट अपॉन इलेवन, माइनस एट अपॉन इलेवन, ये तीन है। हमें कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए ये प्रॉपर्टी में अगर हम देखें, पेयर हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो देखें इसका करेंगे क्या आ जाएगा, तो माइनस फोर अपॉन फाइव इंटू थ्री अपॉन सेवन ये, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने माइनस एट अपॉन इलेवन, ये हो जाएगा। देखो माइनस फोर अपॉन फाइव और थ्री अपॉन, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो इनको करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस फोर इंटू थ्री अपॉन फाइव इंटू सेवन ये होगा, और मल्टीप्लाई इसको जो बाद में किससे करेंगे, माइनस एट अपॉन इलेवन से। चलिए अब देखें, माइनस ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व अपॉन थर्टी फाइव, और मल्टीप्लाई माइनस एट अपॉन इलेवन, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस एट अपॉन थर्टी फाइव इंटू इलेवन ये। इस तरह से हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो अब जो आंसर आता है हमारे पास वो आता है ये 96 प्लस हो जाएगी, और 35 और 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई साइड में हम रफ बात में कर लेते हैं, देखो 35 को 11 से 5 3 5 और 3 तो ये आ गया 5 8 3 तो 3 8 5। देखिए आंसर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आंसर इज 96 अपॉन 3 8 5, ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। अब हमें पेयर चेंज कर ये बोले, चलिए को अब सेकेंड पेयर के हिसाब से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, चलिए देखते हैं क्या होता है। माइनस फोर अपॉन फाइव एडिटिज है, ठीक है, पढ़ा है। अब जो है हमने ले लिया थ्री अपॉन सेवन इंटू माइनस एट अपॉन इलेवन, तो माइनस फोर अपॉन फाइव इंटू, इन दोनों को लिख सकते हैं थ्री इंटू माइनस एट अपॉन सेवन इंटू इलेवन, ठीक है, दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस फोर अपॉन फाइव इंटू
8 जीरा 24 अपॉन 77, ये माइनस का आ जाएगा। 24 किसका आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है। अब इनको ये इसका प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, ये प्रोडक्ट अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो -4 × -24 अपॉन 5 × 77, ये इसको और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आगे तो नेक्स्ट जो आएगा अपने पास आंसर, 24 को 4 से करते हैं तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, 96 प्लस का, और 77 को 5 से करके देख लेते हैं, रफ में 77 को 5 से 3, ये आपका कैरी आ गया, और ये 38, ठीक है। ये क्या आ गया? 385। ये देखिए ये दोनों आंसर क्या आ रहे हैं? सेम, ठीक है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले इन दो को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी? ये होगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर डिस्कस करते हैं। तो बहुत इजी है, इस टाइप के आप लोग अगर कैरियर में और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे तो मैथ्स जो है आपकी क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हम प्रॉपर्टी ऑफ वन की बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वन में अगर हम देखें तो अब कोई भी रैशनल नंबर है a अपॉन b, इसको मल्टीप्लाई किससे किया? वन से, तो आंसर क्या आ जाएगा? a अपॉन b। यानी हमने क्या किया, a अपॉन b हमारा एक रैशनल नंबर था, मल्टीप्लाई किससे किया मैंने? वन से। तो वन से मल्टीप्लाई करने पर वही रैशनल नंबर जो है आंसर आ जाता है। एक एग्जांपल ले लीजिए यहां पर, 59 अपॉन कोई भी डिजिट ले सकते हैं, 134 मल्टीप्लाई बाय 1, तो देखिए क्या आएगा, 59 अपॉन 134। ये दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। तो आंसर वही रैशनल नंबर जो है एक्सेल आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं जो 1 है, 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। 1 क्या है हमारा यहां पर? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आंसर में कोई चेंज नहीं आता, वही रैशनल नंबर, जिस रैशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही रैशनल नंबर जो है हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 1 क्या है यहां पर? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसके बाद जो आता है यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसी तरह से हम जीरो की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब यहां पर रैशनल नंबर लेते हैं, यहां पर a अपॉन b रैशनल नंबर हो गया, a अपॉन b, ठीक है। जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है हमारा? जीरो है, ये ध्यान रखना। वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रैशनल नंबर था वही आंसर आ जाता है, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा? जीरो। यहां पर एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो एग्जांपल ले लेते हैं, 8 अपॉन 9, ये एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं, 8 अपॉन 9 एक रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई किया जीरो से तो आंसर क्या आ गया हमारा? जीरो। तो ये प्रॉपर्टी किसकी आ गई यहां पर? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो बहुत ही सिंपल है, वन से मल्टीप्लाई करेंगे आप किसी रैशनल नंबर को तो वो रैशनल नंबर इटसेल्फ जो वो खुद है वही आंसर होगा, ठीक है। और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रैशनल नंबर को तो आंसर क्या आने वाला है उसका? जीरो ही आने वाला है। तो ये आपकी जो है प्रॉपर्टी ऑफ वन एंड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो यहां पर हो जाती है। इसके बाद जो लास्ट अपने पास बताया है यहां पर, लास्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल के साथ में। तो लास्ट जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। तो अब यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर बात करें
तो a अपॉन b ये अब इस इनवर्स को देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है समझने के, a अपॉन b ठीक है। अब इसका इनवर्स अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका b अपॉन a, उल्टा कर रहे हैं। तो अब इसका इनवर्स इनवर्स अगर मैं फाइंड करूं, इनवर्स क्या हो जाएगा b अपॉन a, उसको क्या कर दो रिवर्स कर दो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जो भी रैशनल नंबर आपको गिवन है उसका क्या कर दो आप उल्टा कर दो, तो जो b है वो ऊपर चला गया ठीक है ना, ये b कहाँ आ गया ऊपर और a कहाँ चला गया नीचे, ये क्या बन इनवर्स हो गया। अब जब इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा। मीन्स क्या होगा देखो, a अपॉन b इंटू बी अपॉन ए उसको आंसर क्या आएगा हमेशा वन, बिकॉज ए से क्या हो जाएंगे कट। आंसर जो आने वाला है इसमें हमेशा क्या आएगा इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में वन मिलेगा ठीक है। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर एक एग्जांपल है हमारे पास, वन अपॉन एट ठीक है, वन अपॉन एट। अब 1 अपॉन 8 को अगर हम देखें यहां तो इसमें इसका अगर रेसिप्रोकल करें हम यहां तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 8 अपॉन 1। सिंपल ही है, 8 ऊपर आ गया 1, और जब इसको कट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 0, बिकॉज 8 से 8 और ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा अपने पास वन आ जाएगा ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर हमारे पास हो माइनस थ्री, देखें ये थोड़ा सा टेक्निकल, केवल माइनस थ्री दे दिया ठीक है। अब माइनस थ्री है तो हमें इसको रैशनल नंबर में के फॉर्म में लिखने के लिए अपॉन में वन लगा दे, लगा सकते कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसका इनवर्स देख लो, इनवर्स अब देखेंगे तो क्या आएगा देखो, मल्टीप्लाई कर दो वन ऊपर और माइनस थ्री, ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो जो आंसर आएगा इसका यहाँ पर जो माइनस थ्री है उसके लिए इसका इनवर्स क्या हो जाएगा वन अपॉन माइनस थ्री, इस तरह से ठीक है ना। ये इस तरह से भी हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है रैशनल नंबर को ही रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, और अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ तो आंसर हमें क्या मिलेगा वन मिनट। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।